मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड में आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी पाठ्य पुस्तक तो पढ़ चुके, वाटिका दो तीन लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम एक चैप्टर व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग व्याकरण की कॉपी अलग से बनाएंगे और बुक तो सबके पास होगी। ठीक है, तो पहली पाठ है हमारी, इसमें व्याकरण में भाषा। ठीक है, भाषा, हमारी भाषा। तो हमारी भाषा उसका मतलब क्या है, हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम एक दूसरे से जो बातें करते हैं, अपनी बात अब बताने और दूसरों की बात जानने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो इसमें है हम पहला पाठ हमारी भाषा। तो भाषा किसे कहते हैं, भाषा मन के जो भाव हैं हम एक दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। आपके विचारों को, आपके बातों को मैं समझती हूँ बोलकर, जो आप लोग बताते हैं, और मैं अपने मन के बातों को आप लोग को व्यक्त करती हूँ, बताती हूँ, तो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, तो हम एक दूसरे से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से करते हैं। तो भाषा का सबसे अच्छा परिभाषा क्या होगा, आप लोग को समझाने के लिए भी मैं समझा रही हूँ, आप लोग समझेंगे, खैर समझाने से ज़्यादा समझ में आता है। तो आप अपने मन की बातों को पूछते हैं जैसे मुझे, ठीक है, तो क्या के माध्यम से पूछते हैं, भाषा के माध्यम से पूछते हैं। मैं अपने बातों को आप लोग को व्यक्त करती हूँ, बताती हूँ अपने अंदर की बातों को, विचारों को, ठीक है, तो क्या के माध्यम से बताती हूँ, भाषा के माध्यम से बताती हूँ। तो इसको हम सरल रूप में बता सकती हूँ मैं ऐसा आप लोग को समझाने के लिए, मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। मतलब आप अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं, मुझे बताते हैं, अपने मम्मी पापा को बताते हैं, दोस्त सहेलियों को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, ठीक है, लोगों को बताते हैं। उसी प्रकार से कुछ भी क्वेश्चन करना है तो एक दूसरे को हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, पूछते हैं, और आप लोग भी अपने विचारों को मुझे बताते हैं, मैं अपने विचारों को आप लोग को बताती हूँ, जैसे पढ़ा रही हूँ तो मैं आप लोग को अच्छे से समझा रही हूँ। तो क्या के माध्यम से समझा रही हूँ, भाषा के माध्यम से समझा रही हूँ, है ना। तो मन के भाव, मेरे अंदर में क्या भावना है, उसको व्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। तो उसको आप लोग सरल रूप में समझ सकते हैं, मन के भाव तथा विचार, हमारे अंदर में क्या विचार चल रहा है, उसको आदान प्रदान, मतलब आप अपने विचार को मुझे बताएंगे, मैं आप लोगों को अपना विचार को बताऊंगी, वो क्या हो गया, आदान प्रदान हो गया। ठीक है, का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, हम भाषा के द्वारा ही हम अपना एक दूसरे के मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो भाषा के वैसे तो तीन रूप होते हैं, लेकिन आप लोग के बुक में दो रूप बताया है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, इस प्रकार भाषा के दो रूप बताए गए हैं, और एक होता है सांकेतिक भाषा। है सांकेतिक भाषा मतलब इशारे के द्वारा, जो बोल नहीं सकता है वो इशारे के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है, इशारे के द्वारा। ठीक है, कुछ भी हम भी इशारा सांकेतिक भाषा का कभी कभी प्रयोग करते हैं। आप लोग को जैसे कहीं दूर में हो आप लोग, तो मैं कहती हूँ आइए आइए, बुलाती हूँ हाथ का इशारा से, आप लोग समझ जाते हैं कि मैडम बुला रही हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से सांकेतिक भाषा तीन रूप होते हैं वैसे, लेकिन आप लोग के बुक में दो रूप बताया गया है, तो आप लोग के में जैसा बताया है वैसा ही पढ़िए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, मौखिक भाषा में मुंह से बोलकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एक दूसरे को, वो हो गया मौखिक भाषा। और लिखित भाषा क्या हो गया, लिखी गई भाषा, जैसे पुस्तक है, कापियां हैं, उसको आप लोग लिख कर पढ़ते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और लिख कर समझते हैं, इसका उत्तर ये हुआ, इसका उत्तर ये हुआ, पुस्तक में क्या लिखा है, आप लोग पूरा कहानी सब कुछ को पुस्तकों से जो पढ़ते हैं वो क्या हो गया, लिखित भाषा हो गया। ठीक है, तो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ये आप लोग को पता है ना, है ना, अलग अलग देश के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे असमिया, मणिपुरी में मणिपुर, असम में असमिया भाषा, ठीक है, मणिपुर में मणिपुर, गुजराती भाषा है ना, महाराष्ट्र में मराठी, और बंगाल में बंगला, पंजाब में पंजाबी, वैसी प्रकार से तमिलनाडु में तमिल और कर्नाटक में कन्नड़,
हिंदी भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। हाँ, हिंदी, गुजराती, पंजाबी है ना, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, ये सब क्या है, अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हम बस दो ही तीन भाषाओं का ज्ञान है हमको, जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है थोड़ा, और हिंदी है। मतलब सब भाषाओं को उतना अच्छे हम लोग नहीं जानते हैं, उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा जानने के लिए, ठीक है। तो अभी हम जिस भाषाओं के बारे में पढ़ रहे हैं वो हिंदी भाषा है। तो अपनी बात बताने और दूसरों की बात जानने का माध्यम क्या कहलाता है बच्चों? भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा के द्वारा ही हम अपने एक दूसरे के विचारों को जानते हैं, समझते हैं और एक दूसरे को अपनी बातों को बताते हैं, ठीक है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं बच्चों? भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा मतलब पुस्तकों को देखकर आप लोग, लिखा हुआ इसमें जो लिखा है उसको आप लोग देखकर पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ये क्या हो गया, भाषा का लिखित रूप हो गया। कापियां हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार हैं, है ना, न्यूज़पेपर हैं, ये मैगजीन हैं, ये सब क्या है, लिखित भाषा है, ठीक है। और मौखिक भाषा हम मुंह से जो बोलते हैं और बातें करते हैं वो क्या हो गया, मौखिक भाषा, ठीक है। तो आप लोग के में इसमें बुक में दिया है बच्चों, पीछे आओ कुछ करें दिया है, पेज नंबर 6 में, 7 में और 8 में, ठीक है। तो आप लोग इसको होमवर्क समझेंगे बच्चों, हाँ, और इसको पढ़कर पुस्तक के पाठ को पढ़ लीजिए और पढ़कर करने की कोशिश करिए, हाँ, ठीक है। नहीं बनेगा उसको मैं भी बताऊंगी, ठीक है बच्चों, ठीक है। और इसकी अलग कॉपी बनाएंगे, ठीक है। इसका प्रश्न उत्तर तो दिया नहीं है, मगर इसी को आप लोग कॉपी में लिखेंगे, हाँ या नहीं में उत्तर दो, और जो भी इसमें दिया है लिखने लायक उसको लिखेंगे। बाकी सब तो बुक सबके पास रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं, ये प्रश्न हो गया। तो आप लोग को इसका उत्तर मैं बताऊंगी और भेजूंगी, ठीक है। तो उसको आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो दिया है बुक में करने लायक वो आप लोग के लिए होमवर्क है, और पेज नंबर 6, 7 और 8 इसको आप लोग अपने से करेंगे, हाँ, ठीक है। नहीं बनेगा उसको मुझे पूछेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, थैंक यू।